गाइस बी टाउन हॉप चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2012 में जो सन ऑफ सरदार फिल्म आई थी उस फिल्म का पार्ट टू बनने जा रहा है। सन ऑफ सरदार टू मूवी से जुड़े कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों आप भी अगर अजय देवगन सर के ट्रू फैन है तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, और अगर आप हमारी चैनल में पहली बार आए तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करना मत भूले। दोस्तों अजय देवगन सर की लास्ट रिलीज फिल्म थी तानाजी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड कामयाब किया था और वो फिल्म अजय देवगन सर की करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। उसके बाद तो दोस्तों उन्होंने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा, बैक टू बैक कई सारी फिल्मों की अनाउंसमेंट कर दी, जिनमें से ट्रिपल आर फिल्म शामिल है जो कि साउथ की 250 करोड़ की बजट वाली फिल्म है। उसके अलावा दोस्तों मेडे फिल्म है जिस फिल्म के अंदर हमें अमिताभ बच्चन रकुल प्रीत सिंह देखने को मिलेगी, मैदान फिल्म है जिस फिल्म के अंदर हमें उनके ऑपोजिट प्रिया मनी साउथ की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सन ऑफ सरदार टू फिल्म के बारे में। दोस्तों सन ऑफ सरदार फिल्म 2012 में आई थी, ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिस फिल्म को डायरेक्शन दिया था अश्विन धैर्या ने। और स्टारकास्ट की बात करें तो इस फिल्म के अंदर हमें अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, जूही चावला देखने को मिले थे। वही दोस्तों इस फिल्म के अंदर हमें सलमान खान का स्पेशल कैमियो रोल भी था। दोस्तों फिल्म के सॉन्ग और डायलॉग जबरदस्त हिट हुए थे और दोस्तों इस फिल्म का म्यूजिक दिया था हिमेश रेशमिया ने। फिल्म को 30 करोड़ के बजट में बनाया और इस फिल्म ने अपने लाइफ टाइम में 150 करोड़ से भी ज़्यादा कमाई की थी। दोस्तों आपको बता दूं कि ये फिल्म दिवाली के मौके पर आई थी और इस फिल्म का क्लैश हुआ था शाहरुख खान की फिल्म जब तक है जान के साथ, और दोस्तों उस फिल्म को भी इसने पीछे छोड़ दिया था। जब तक ये जान भी एक मल्टी स्टार फिल्म थी, उस फिल्म के अंदर हमें कैटरीना कैप, शाहरुख खान और दोस्तों अनुष्का शर्मा देखने को मिली थी। लव स्टोरी पर बेस्ड फिल्म थी, लेकिन दोस्तों इस फिल्म को दर्शकों ने और फैमिली ने बहुत सारा प्यार दिया था। दोस्तों सन ऑफ सरदार टू फिल्म के अंदर भी हमें यही स्टार देखने को मिलेगी और इस फिल्म के अंदर भी सलमान खान का जबरदस्त कैमियो देखने को मिलेगा। ये भी एक एक्शन कॉमेडी फिल्म रहेगी और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों एक और कॉमेडी सीरीज लेके आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, गोलमाल 5 फिल्म की भी जल्द से जल्द ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि हमें रोहित शेट्टी ने एक हिंट दे दी है कि इस फिल्म की स्टोरी कंप्लीट हो गई है, वो भी एक मल्टी स्टार फिल्म रहेगी। तो दोस्तों आप सन ऑफ सरदार 2 फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है, इसके अलावा दोस्तों आप अजय देवगन सर की कौन सी फिल्म के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना।